लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु को लू लग जाए तो पेरेंट्स अपनाएं ये तरीके, सेहत में बच्चे के तुरंत होगा सुधार। तो कौन से तरीके आपको अपनाने हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिनों दिन गर्मी का तापमान बढ़ रहा है। दिल्ली के आसपास 52 टेम्परेचर है जो एक रिकॉर्ड है 75 सालों का। देश के कुछ इलाकों में और भी जगह 50 डिग्री तक तापमान छू चुका है। इसका मतलब है कि देश के कई हिस्से तपती गर्मी में जल रहे हैं। जोर शोर से लू चल रही है। गर्मी का यह मौसम और बढ़ता तापमान का सबसे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। खासकर नवजात शिशु को इन दिनों विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जो लोग नए नए पेरेंट्स बनते हैं उनके लिए अपने नवजात शिशु की केयर करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। खासकर लू के दौरान बच्चे को कैसे संभाला जाए ये उन्हें नहीं पता होता है। नतीजन घर से बाहर निकलते ही बच्चे को लू लग जाती है। ध्यान रखें कि नवजात शिशु के लिए लू लगना सही नहीं है, इससे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। सवाल है, ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? नवजात शिशु को लू लग जाए तो पेरेंट्स को क्या करें? गर्मी के दिनों जब लू के थपेड़े चल रहे हों, ऐसे में बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को घर से बाहर कहीं ना ले जाएं। कोशिश करें कि इन दिनों अपने नवजात शिशु को घर की छत पर ही न टहलाने के लिए ले जाएं। इन दिनों शाम या सुबह के समय भी काफी गर्म हवा चलती है। नवजात शिशु का शरीर इन्हें झेलने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत ज्यादा कपड़े पहनाने से बचे। गर्मी का मौसम है। इन दिनों मौसम को बच्चों को कम से कम कपड़े पहनाने की जरूरत होती है। कोशिश करें, हालांकि ध्यान रखें कि बच्चे को मच्छर न काटे। कई पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों को पूरी तरह कवर करके रखते हैं। ऐसा करने से बच्चे अगर कमरे का तापमान गर्म है तो एसी चला दें और टेम्परेचर को सामान्य रखें। बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं। अगर आपके नवजात शिशु को लू लग गई है तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाती रहें। आप चाहें तो उसे फॉर्मूला मिल्क भी पिला सकते हैं। इससे बच्चे की बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। बच्चे के सेहत में सुधार हो इसके लिए जरूरी है कि माँ भी खुद को हाइड्रेटेड रखे और हेल्दी चीजें खाए पिए। इससे बच्चे की सेहत में भी सुधार नजर आने लगेगा। बच्चे को रेस्ट करने दें। आमतौर पर नवजात शिशु दिन का ज्यादातर समय सोने में बिताता है, लेकिन अगर बच्चे को लू लग जाए तो यह अहस्ता के कारण रोता रहता है। पेरेंट्स को चाहिए उसके कंफर्ट का ध्यान रखें, उसे सुलाएं और आराम करने दें। बच्चा जितना ज्यादा आराम करेगा उसका रिकवरी उतना तेजी से होगी। यहां तक कि लू से बचाने के लिए भी ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। बच्चे को सुलाए रखें ताकि उसे घर से बाहर ले जाने की जरूरत ना हो। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को लेकर कमरे से बाहर ही ना निकलें। सारा दिन घर के अंदर बंद रहना न्यू मॉम के हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है। न्यू मॉम को चाहिए कि गर्मी के दिनों देर शाम अपने बच्चे को लेकर के कुछ देर के लिए टहल जाएं। इससे बच्चा धूप के संपर्क में आने से बचेगा और लू भी नहीं लगेगी। हाँ, अगर बच्चे को लू लगी हुई है तो आप उसे कमरे में ही रखें, बाहर ना ले जाएं। इससे उसकी सेहत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
बच्चे की कैरिंग को लेकर के लू से बचाने के लिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।